वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, एयरफोर्स एग्जाम के लिए एक अभ्यास सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आज इसी सीरीज में एक 25 क्वेश्चन का सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है। मोटिवेशनल कोट में क्या बोला गया है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान है। कहने का मतलब यह है, अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किसी भी एग्जाम में हजारों लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से कर्म किए हैं, तो आपको सफलता निश्चित मिलने वाली है, तभी आपका नाम होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कर्म की इंपॉर्टेंस है, मेहनत की इंपॉर्टेंस है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:2। द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज 30 वोल्ट विल बी। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का परिवर्तन गुणांक 3:2 है। यदि प्राथमिक कुंडली के विभव 30 वोल्ट है तो द्वितीय कुंडली में विभव ज्ञात कीजिए। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हमारा, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होती है जो हमारा वोल्टेज को ट्रांसलेशन करने में काम में आता है, मीन्स लोअर से हायर या फिर हायर से लोअर डोमेन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के काम में आता है। अगर हम सिंबल के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का हमारा सिंबल किस टाइप का होता है, इस टाइप से हमारा ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल रहता है। यहां पर हमारा एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स रहता है और यहां पर ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिसीवर रहता है। अगर हम बात करते हैं तो ये कॉइल्स को रिप्रेजेंट करती है, इसकी कॉइल्स को नंबर ऑफ टर्न्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर ये प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, यहां पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स एन एस होते हैं। हमें पता है, एक रिलेशन पता है हमें कि जो हमारा वी एस मीन्स वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग और वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, ये किसके बराबर रहता है हमारा, एन एस अपॉन एन पी। यहां पर वी एस क्या है, वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और वी पी क्या हमारा, सॉरी वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमें रिलेशन पता है, वैल्यूज हमें पता है, वी एस का वैल्यू हमें कितना गिवन है, प्राथमिक वीपी का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 30 वोल्ट हमें वी एस का वैल्यू गिवन है। साथ ही साथ में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 3:2। वैल्यूज को पुट करते हैं, वी एस का वैल्यू फाइंड करना है, सेकेंडरी वोल्टेज हमें फाइंड करना है सेकेंडरी कॉइल में, तो 3:2 इंटू वीपी दैट इज 3:2 इंटू 30 वोल्ट, 2 से कैंसिल आउट होके फाइनली वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल कितना बना रहा हमारा, ये 45 वोल्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनने वाला है यहाँ से, 45 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू 20 cos π 50t - x cm, देन दिस वेवलेंथ इज, अनुदैर्ध्य तरंग का समीकरण निम्न प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से हमारा समीकरण दिया गया है, तो इसका हमें तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ हमें ज्ञात करना है। अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन किस प्रकार से गिवन रहती है, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर ए क्या हमारा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा किसे रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को, और के हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट को। गिवन इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है, अंदर पाई मल्टीप्लाई होगा 50 पाई रेडियन।
इसी तरीके से अगर पाई अंदर मल्टीप्लाई होता है तो प्रोपगेशन कांस्टेंट की, प्रोपगेशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, पाई। क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है, वेवलेंथ के बारे में हमें पता है कि जो हमारा वेवलेंथ रहता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना रहता है हमारा, 2 पाई अपॉन के। तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो 2 पाई अपॉन के का वैल्यू कितना है हमारा, पाई। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट होके लैम्डा का वैल्यू आता है हमारा 2 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है, मीन्स वेवलेंथ कितना होगा हमारा, 2 सेंटीमीटर का वेवलेंथ होने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। संधारित्र की प्लेटों के मध्य नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की शीट रखी जाती है, तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन्स कहने का मतलब क्या है, एक आपका कैपेसिटर का प्लेट है, इसके अंदर हमें एक मीडियम इंसर्ट करवाना है, वो मीडियम कौन सा हमारा, एक एल्यूमिनियम की थिन प्लेट है। जब भी हम बात करते हैं थिन प्लेट, जब भी हम थिन मेटल की प्लेट अगर इसमें नगण्य मोटाई की एक पतली परत हम इसमें रखते हैं, तो जो हमारा आवेश है वो आवेश इक्वल एंड अपोजिट दोनों एंड पर रहने वाला है। अतः इस पर हमारी जो इसकी धारिता रहेगी, संधारित्र की धारिता रहेगी, वो कैसी रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स जो पहले वाली है वो की वही इस पे धारिता रहने वाली है, धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा मेटल की प्लेट रखने पर इस पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए बॉडी कूल्स फॉर 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट इज। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, एक वस्तु 5 मिनट में 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती है, यदि वातावरण का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अगले 10 मिनट में वस्तु का तापमान होगा, मीन्स हमें क्या गिवन है, 5 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होता है, नेक्स्ट 10 मिनट में वो कितना कूल होगा ये पूछा गया है, जबकि उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना गिवन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से, न्यूटन्स कूलिंग लॉ से। न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी, ये टाइम पीरियड के लिए है, इक्वल टू अल्फा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस थीटा नॉट। यहां पर थीटा 1 क्या हमारा इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 को रिप्रेजेंट करता है, टी हमारा टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में हमारा टाइम ये टेम्परेचर चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशियंट है और थीटा नॉट हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है जो कि हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। फर्स्ट केस के लिए हम बात करते हैं, फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, 70 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट, वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, तो यहां पर थीटा 1 हमारा 70 है, थीटा 2 हमारा 50 है, सॉल्व करते हैं इसको, तो 70 माइनस 50 दैट इज 20 अपॉन टाइम पीरियड हमारा 5 मिनट में ये टेम्परेचर चेंज होता है, अल्फा अगेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज 70 प्लस 50, सॉल्व करते हैं तो 70 प्लस 50 दैट इज 120 अपॉन 2 माइनस थीटा नोट क्या हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना गिवन है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड वातावरण का तापमान, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा 20। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में ये 4 टाइम कैंसिल, अल्फा इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से ये 60 माइनस 20 दैट इज 40, 60 माइनस
60 माइनस 20 दैट इज 40। तो यहां से टेम्परेचर कॉफिशियंट का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 4/40 दैट इज 1/10। सेकेंड केस में हमें क्या बोला गया है, तो अगले 10 मिनट में वस्तु का तापमान कितना होगा, मींस वर्तमान में अभी इनिशियल कितना हो जाएगा 50, नेक्स्ट हम मानते हैं उसको थीटा, तो वापस कूलिंग स्लो से 50 माइनस थीटा अपॉन 10 इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा का वैल्यू हमारे पास में 1/10 इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं 50 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर अगेन सेम रहने वाला है, तो ये हमारा यहाँ से 20 बनाता है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट होता है, 50 माइनस थीटा इक्वल टू, सॉल्व करते हैं यहाँ से एलसीएम लेके, तो 50 प्लस थीटा एलसीएम हमारा 2 माइनस 40 दैट इज 100 माइनस थीटा इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद में यहाँ से थीटा प्लस 10 यहाँ से 2 थीटा। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो थीटा को एक जगह प्लेस करवाते हैं, 3 थीटा इक्वल टू 10 इधर आके 90, थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 90 अपॉन 3 दैट इज 30 डिग्री, मीन्स आफ्टर 10 मिनट नेक्स्ट 10 मिनट में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हमारा मॉडरेट लेवल का था, अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता है, इसका फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूला में आपको इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट करवाने के बाद में फाइनली आप इसको कंपेयर करके या फिर डिवीजन करके एक दूसरे से रिलेशन को फाइंड कर सकते हो। हमारा फाइनल टेम्परेचर 10 मिनट बाद में हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर शुड हैव, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है, कुछ हमारे पास में ऑप्शंस गिवन है, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स कॉइल, इसकी कुंडली के समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर, या फिर लास्ट ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स कॉइल, इसकी कुंडली के समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर। जब भी हम बात करते हैं वोल्टमीटर के बारे में तो गैल्वेनोमीटर से जब भी वोल्टमीटर में बनाते हैं तो हमेशा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, तो मीन्स हम कह सकते हैं अगर ये हमारा इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है, इस तरीके से अगर ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसको अगर हमें वोल्टमीटर बनाना है तो इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का हम रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट बनने वाला है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको हम बोलेंगे पूरे के पूरे को वोल्ट मीटर। अगर हम बात करते हैं एमीटर के बारे में, यहां से हमारा एक्सपेक्टेड, यहां से फाइनल आंसर इसका क्या होगा, सी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर। अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड लेवल से, तो यहां पर अगर हमें एमीटर के लिए पूछा होता, वोल्टमीटर की जगह एमीटर के लिए पूछा होता, तो जब भी गैल्वेनोमीटर से एमीटर में हम बनाते हैं तो इसके हमेशा एक शंट का प्रयोग करते हैं, शंट क्या होता हमारा, शंट होता हमारा पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस, मींस हम कह सकते हैं अगर हमारे पास में ये गैल्वेनोमीटर है, अगर इसको हमें वोल्टमीटर में बनाना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके पैरेलल में इस तरीके से एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, ये जो फाइनल हमारे पास में डिवाइस मिलने वाली है इसको हम बोलते हैं एमीटर, इसको हम बोलेंगे एमीटर। ये हमारा एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चन है, यहां से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए, इफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्स इन द लास्ट सेकेंड द डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड द टाइम ऑफ द ट्रेवल इज, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी
पहले 3 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। तो वस्तु द्वारा किया गया समय, तय किया गया समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री फॉल करवाते हैं तो उसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है, तो वो जो लास्ट सेकंड है, जो फर्स्ट 3 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, उसके बराबर है। सपोज ये हमारा टोटल एन सेकंड में ये ट्रेवल करती है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, पहले 3 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम किस तरीके से गिवन रहेंगे, गिवन करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फर्स्ट 3 सेकंड के लिए बोला गया है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, मुक्त रूप से गिरती हुई, मीन्स फ्री फॉल किया हुआ है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा हमारा, जीरो, ये आपका जीरो प्लस हाफ, जी का वैल्यू होगा हमारा 9.8 इंटू टी, पहले 3 सेकंड के लिए बोला गया है, तो टाइम पीरियड होगा हमारा 3, दैट इज 3 इंटू 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमें मिलता है 4.9, दैट इज सॉल्व करने के बाद में फाइनली मिलेगा हमारा 44.1 मीटर। मीन्स 3 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी है हमारी, 44.1 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीन्स nth सेकंड में हमारा, सपोज ये लास्ट सेकंड कौन सा होगा हमारा, n सेकंड में, तो एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2n-1। जो ये लास्ट सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3 सेकंड में ट्रेवल की गई उसके बराबर है। तो मैं पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, एस एन का वैल्यू 44.1, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो रहने वाली है, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8, 2n-1, मीन्स हमें एन का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से ये 4.9 टाइम कैंसिल आउट होता है। अगर हम इसको 7 से कट करते हैं या फिर सीधा डायरेक्टली 49 से कट करते हैं, तो ये हमारा इसको 9 टाइम कैंसिल आउट करता है, तो 2n-1 इक्वल टू कितना होगा, 9 के इक्वल होने वाला है। सॉल्व करने के बाद में 2n इक्वल टू 9+1, दैट इज 10, n का वैल्यू 10/2, दैट इज 5, मीन्स टोटल सेकंड कितने रहेंगे, 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, इट्स पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है। यदि एक सरल लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्त काल बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या फिर अनंत हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ बात करते हैं, तो जी का वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। एक किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड हमारा किस टाइप से गिवन रहता है, टाइम पीरियड गिवन रहता है 2π√L/g। कहने का मतलब है कि जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ ले जाया जाता है, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। अगर जी इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा, दैट इज तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारा, डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए घटेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है हमारा, घटेगा। टाइम पीरियड हमेशा पोल्स इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर डिक्रीज होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेस हैव अ कंबाइंड पावर ऑफ +9 डायप्टर व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, देयर इक्वलेंट पावर बिकम +27/5 डायप्टर, देयर इंडिविजुअल पावर आर। तो उनकी इंडिविजुअल पावर हमें फाइंड करनी है। दो पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता +9d है, जब वे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं तो उनकी तुल्य क्षमता 27/5 डायप्टर हो जाती है। प्रत्येक लेंस की हमें क्षमता ज्ञात करनी है, तो मीन्स इंडिविजुअल हमें पावर उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी संयुक्त क्षमता, मीन्स अगर उसकी इंडिविजुअल P1 प्लस P2 है, P1 और P2 है,
तो संयुक्त क्षमता हमें कितनी गिवन है, 9 डायोप्टर। सेकेंड केस में हमें क्या बोला है, उनको एक दूसरे के नजदीक रखा है 20 सेंटीमीटर, तो मीन्स पी इक्वलेंट। अब पी इक्वलेंट कितना हो जाएगा हमारा, पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू, जहां पर P1 और P2 क्या हमारा इंडिविजुअल पावर है, D क्या हमारा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस तरीके से ये कितना गिवन है हमें, 27 अपॉन 5 डायोप्टर। मैं पुट करता हूं वैल्यूज को, P इक्वलेंट हमारा 27 अपॉन 5 डायोप्टर प्लस में P1 P2 का वैल्यू हमारे पास में 9 डायोप्टर है, D दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मीटर में, 20 अपॉन 100 P1 P2, सॉल्व करते हैं यहां से, तो ये हमारा 1/5। सॉल्व करते हैं P1 P2 1/5 P1 P2, अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो यहां पर ये 9 माइनस 27 अपॉन 5, दैट इज एलसीएम हम लेते हैं 5 हमारा, सॉल्व करने के बाद में 1/5 P1 P2, दैट इज P1 P2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे यहां से 80। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि P1 प्लस P2 का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो है हमारा 9, और इनका जो प्रोडक्ट है P1 P2 ये कितना हमारा 80। थोड़ा सा अगर हम ऑप्शंस पे ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर, मींस अगर इंडिविजुअल पावर 1 और 8 है तो इनका एडिशन कितना हो रहा है, 1 प्लस 8 9, लेकिन अगर हम इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो 18 न होते हुए सिर्फ 8 रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी पर अगर हम बात करते हैं तो 2 7, अगर इंडिविजुअल हमारा 2 और 7 है तो दोनों का एडिशन तो हमारा 9 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा 14 आ रहा है, जो कि गिवन कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, तो 3 प्लस 6 हमारा 9 बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ में इसका प्रोडक्ट भी कितना बना रहा है, 6 × 3, दैट इज 18, मीन्स ये ऑप्शन हमारा गिवन कंडीशन के नजदीक है। लास्ट ऑप्शन पे भी ध्यान करते हैं, 4 और 5 तो हमारा एडिशन होके 9 बना रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमारा 20 बना रहा है, जो कि हमारा गिवन कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, तो मीन्स गिवन कंडीशन को मैच करने वाला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिविजुअल पावर इसकी कितनी रहेगी, 3 और 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बैलून थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड रिटर्न इन 2 सेकेंड, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 1.4 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से एक गति को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, यदि गेंद 2 सेकंड पश्चात पुनः नीचे आ जाती है तो कुल तय विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा एक सरफेस है, यहां से 1.4 मीटर के इनिशियल वेलोसिटी के साथ में एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वो मैक्सिमम पोजिशन तक जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, और पुनः वो नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाती है। मीन्स इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन दोनों पोजिशन हमारी सेम है, अतः जो हमारा ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 फोर्सेज ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, रिजल्टेंट ऑन द बॉडी हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, एक वस्तु पर 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के बल आरोपित होते हैं, वस्तु पर लगने वाले अधिकतम परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। जब भी किसी वस्तु पर 2 बल आरोपित होते हैं और अगर हमें अधिकतम के बारे में बोला गया है तो उसका जो परिणामी रहेगा उन दोनों का हमेशा क्या रहता है, एडिशन, मीन्स एफ मैक्सिमम, ये क्या रहेगा हमारा F1 प्लस F2। पुट करता हूं मैं, F1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 12, F2 का वैल्यू कितना गिवन है 8 न्यूटन, तो टोटल फाइनली F मैक्सिमम अधिकतम परिणामी बल का मान कितना रहने वाला है हमारे पास में 20 न्यूटन, दैट इज
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल बेस भी है और न्यूमेरिकल बेस भी है, तो इसीलिए अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रफ आइडिया एग्जाम क्वेश्चन का आपको मिल जाता है। यहाँ से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फर्स्ट रेजोनेंस अकर एट 50 सेंटीमीटर, एट व्हाट लेंथ ऑफ पाइप द सेकंड रेजोनेंस विल बी अकर। एक बंद पाइप में प्रथम अनुनाद स्वर 50 सेंटीमीटर लंबाई पर उत्पन्न होता है, तो द्वितीय अनुनाद स्वर उत्पन्न होने पर लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है इसमें, मीन्स सपोज ये आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ हमने कितनी में अज्यूम की है, एल। अगर इस पर फर्स्ट रेजोनेंस अकर होता है तो हमारा जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न रहेगा, स्टैंडिंग वेव पैटर्न हमारा किस तरीके से बनने वाला है, कुछ इस तरीके से। स्टैंडिंग वेव पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, मीन्स ओपन एंड पर हमारा क्या बनेगा, एंटी नोड, और क्लोज एंड पर हमारा क्या बनने वाला है, नोड। अगर हम इसको वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं तो मीन्स जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा हमारा, लैम्डा बाई 4। बात करते हैं सेकंड केस में, मीन्स सेकंड रेजोनेंस में, द्वितीय अनुनाद की स्थिति में, द्वितीय अनुनाद की स्थिति में हमारी जो स्टैंडिंग वेव है वो किस तरीके से बनेगी। स्टैंडिंग वेव हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। स्टैंडिंग वेव हमारी कुछ इस तरीके से बनने वाली है, मींस ओपन एंड पर हमारा एंटी नोड, यहां पर नोड, अगेन इस एंड पर एंटी नोड और यहां पर नोड। लेंथ हमारी सेम ऑर्गन पाइप है इसलिए लेंथ हमारी सेम रहने वाली है, लेकिन अगर इसी चीज को अगर मैं वेवलेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो लेंथ हमारी कितनी रहने वाली है, 3 लैम्डा बाई 4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पाइप में प्रथम अनुनाद स्वर 50 सेंटीमीटर लेंथ पर उत्पन्न होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां से L बराबर लैम्डा बाई 4। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू, L का वैल्यू अगर मैं 50 × 4। सेकंड हमें लेंथ फाइंड करनी है, सेकंड वाली की लेंथ हमें फाइंड करनी है, दैट इज एल डैश, मीन्स कितने पर हमारा जो सेकंड रेजोनेंस है वो अकर होने वाला है। तो एल डैश इक्वल टू ये कितना बनाएगा, 3 लैम्डा बाई 4, दैट इज लैम्डा का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3 × 50 × 4 / 4, दैट इज सॉल्व करने के बाद में 150 सेंटीमीटर। तो मीन्स हमारा जो सेकंड रेजोनेंस रहेगा, सेकंड जो हमारा एंटी नोड बनेगा वो कितनी लेंथ पर बनेगा हमारा, 150 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रभाव रहेगा, डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इनक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ द अर्थ, इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होगा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगा या फिर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ घटेगा। हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, तो जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा इंक्रीज करता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ घटता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा मैक्सिमम रहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा क्या रहता है हमारा, अधिकतम रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg, 3 kg and 5 kg आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ ए टाइट स्ट्रिंग एंड आर देन प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर। द सिस्टम इज पुल्ड बाई ए फोर्स ऑफ 10 N, देन टेंशन T1 इज इक्वल टू। चित्रानुसार 3 ब्लॉक जिनका द्रव्यमान 2 kg, 3 kg, 5 kg है, एक दूसरे से
बंधे हुए हैं, इन्हें घर्षण रहित सतह पर रखा गया है। यदि इस प्रकार बने निकाय पर 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो तनाव T1 का मान ज्ञात करना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो जो हमारा इनिशियल टोटल मास है, इनिशियल टोटल मास है कैपिटल एम, ये कितना रहने वाला है हमारा? कैपिटल एम टोटल मास हमारा रहने वाला है 2 + 3 + 5, दैट इज 10 किलोग्राम। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तीनों पर हमारा फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए मीन्स तीनों के तीनों ब्लॉक 10 न्यूटन का फोर्स लगने पर ए एक्सेलरेशन के साथ में मूव करते हैं। तो मैं पुट करता हूँ, एफ का वैल्यू हमारे पास में 10 गिवन है, मास का वैल्यू हमारे पास में 10 है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट होके एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास में? 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा हमारे पास में 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट केस में हमें पूछा गया है T1, टेंशन का वैल्यू, मीन्स दोनों ये वाले मास हमारे पास में रिक्वायर्ड होंगे। T1 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास में? T1 बराबर एम M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज M2 और M3 का एडिशन कितना हो जाएगा? मास हमारे पास में कितना हो जाएगा? 5 + 3, दैट इज 8। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास में कितना आया है? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा सेम रहेगा, दैट इज 1। तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा? 8 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। राइट ऑप्शन कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5√2 एम्पियर। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो हमारा IRMS होता है, IRMS कितना होता है हमारा? I0/√2। यहाँ पर I0 क्या हमारा? अधिकतम मान या फिर पीक वैल्यू। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं IRMS इक्वल टू I0 का वैल्यू कितना गिवन है? 5√2/√2। सॉल्व करते हैं इसको, तो कट करने के बाद में IRMS का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में? 5 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। क्वेश्चन हमारा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ, निकाय का तापमान किस प्रक्रिया में घटेगा? फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार में, एडियाबेटिक एक्सप्रेशन, रुद्धोष्म प्रसार में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापीय प्रसार में, आइसोथर्मल कंप्रेशन, समतापीय संपीड़न में। जब भी हम बात करते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बारे में, तो जब भी हम किसी गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन या फिर रुद्धोष्म प्रसार होता है, तो उसका तापमान हमेशा क्या करता है? डिक्रीज होता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? निकाय का तापमान किस प्रक्रिया में घटेगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। गैस का अगर रुद्धोष्म प्रसार होता है तो हमारा टेम्परेचर उसमें डिक्रीज होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट 4.3 नैनोमीटर फार इज, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके मध्य 4.3 नैनोमीटर की दूरी है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इस टाइप का जो हमारा सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में सिस्टम में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कौन कौन सी गिवन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों पर हमारा जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम रहता है, लेकिन वो अपोजिट रहता है। साथ ही साथ में कितने डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड किए गए हैं? 4.3 नैनोमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा किस टाइप से गिवन रहता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है आइदर ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से एक चार्ज पर इनका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कुलाम, 19 कुलाम इंटू डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? 4.3 नैनोमीटर। हमारे को जो ऑप्शंस की तरफ ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मीटर में फाइंड किया गया है, तो मींस फर्स्ट जॉब क्या रहेगी? इस नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, दैट इज 10 टू की पावर माइनस 9 मीटर। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? सॉल्व करते हैं इन सबको, तो ये आपका 1.6 4.3 मल्टीप्लाई ओके 6.88 इंटू 10 टू की पावर माइनस 28 कुलाम मीटर, इस तरीके से ये बनाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन, यदि एक वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो, ऑप्शंस कुछ गिवन है, एट एक्सट्रीम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज जीरो, अधिकतम स्थिति पर कुल ऊर्जा का मान शून्य होगा, एट इक्विलिब्रियम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माध्य स्थिति पर कुल ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में होगी, एट इक्विलिब्रियम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माध्य स्थिति पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, एट एक्सट्रीम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होता है। सपोज ये आपका एक पेंडुलम है इस तरीके से, अभी ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जब भी हम इसको मोशन करवाते हैं तो यहाँ से ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, अधिकतम एक्सट्रीम पोजिशन पर जाएगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में मध्य स्थिति में आएगा और दूसरी साइड में वापस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता हुआ अधिकतम दूरी तक जाएगा। अगर हम बात करते हैं माध्य स्थिति में, तो माध्य स्थिति में इसकी स्थिति क्या रहेगी, ट्रेवल डिस्टेंस कितनी रहेगी? डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो रहेगा। जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, मीन्स अगर हमारी हाइट जीरो रहेगी तो स्थिति ऊर्जा हमारी हमेशा हाइट पर या फिर पोजिशन पे पजिस करती है। मीन्स पोजिशन अगर हमारी जीरो है तो मीन्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या रहने वाली है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पर जीरो रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैक्सिमम पोजिशन को ये अटेन करता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो नहीं रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जाके एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, रुकने के कारण इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पर क्या रह जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करते हैं तो वेलोसिटी हमारा किस टाइप से गिवन रहता है? वेलोसिटी हमारा गिवन रहता है ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई से गिवन रहता है। इस कंडीशन में यहाँ पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम रहती है, तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी? यहाँ पर मैक्सिमम रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ऑप्शंस पे मूव करते हैं। एट द एक्सट्रीम पोजीशन द टोटल एनर्जी इज जीरो, नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी जीरो नहीं होती है, ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो रहती है, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वैल्यू रहता है जो कि टोटल एनर्जी को वो बनाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो रह जाती है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारी जो टोटल एनर्जी रहती है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माध्य स्थिति पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, विद्युत प्रतिरोध की विमा है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो हमारा डायरेक्ट इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज M1L2T-3A-2। तो हमारी विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध की विमा क्या है? M1L2T-3A-2। सॉल्व करते हैं ये किस तरीके से आया है।
हमें पता है ओम्स लॉ से वी इक्वल टू कितना होता है हमारा आर आई, तो यहां से आर इक्वल टू कितना बनाएगा वी अपॉन आई। वोल्टेज हमारा क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एकांक आवेश पर किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो मीन्स हम लिख सकते हैं वी का वैल्यू कितना होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू। पुट करता हूं मैं यहां से, तो आर इक्वल टू कितना बना लेगा ये डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई। अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो फाइनली रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना बनाएगा इंडिविजुअल का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन हमारा कितना रहता है, वर्क हमारा क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा m1 L1 t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वर्क का डायमेंशन बना रहा है m1 L2 t-2 अपॉन चार्ज। चार्ज क्या होता है हमारा, चार्ज की डायमेंशन कितनी बनाता है ये हमारा ए टी, और करंट आई की डायमेंशन कितनी बनाता है ये ई। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में फाइनली आर का डायमेंशन कितना बनाएगा ये, आर का डायमेंशन बनने वाला है m1 L2। टाइम के बारे में बात करते हैं, अगर ये वाला टाइम ऊपर की तरफ जाता है तो t-3 और a टू बना के ऊपर जाके a-2। तो इस तरीके से फाइनली हमारा रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो कितना बनने वाला है m1 L2 t-3 a-2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन सेवरल टाइम्स विल नॉट ओबे हुक्स लॉ ड्यू टू, एक वस्तु में निरंतर विकृति देने पर किस बिंदु पर हुक के नियम का पालन नहीं करेगा, यील्ड पॉइंट, परमानेंट स्टेट, इलास्टिक फैटिक और ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो हुक के नियम के अनुसार क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो हमारा प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम विकृति देते जाएंगे वैसे वैसे, या प्रतिबल देते जाएंगे वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन भी डेवलप होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आता है उसके बाद में आपका हुक का लो मीन्स इसके समानुपाती, स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के समानुपाती नहीं होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, दैट इज उपज बिंदु। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये आपका अच्छा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 10^10 इलेक्ट्रॉन आर एक्वायर्ड बाय ए बॉडी एवरी सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम विल बी, एक वस्तु द्वारा प्रति सेकंड 10^10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो वस्तु द्वारा कुल आवेश 1 कूलम आवेश को ग्रहण करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। हमें टाइम पीरियड ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 सेकंड में 10^10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसी वस्तु द्वारा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप होता है। तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज हमारा कितना है वो हमें फाइंड करना है। हम क्वांटाइजेशन के लॉ से हमें पता है क्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा एन ई, जहां पर एन क्या हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने गिवन है, 10^10 इलेक्ट्रॉन। पुट करता हूं मैं 10^10 इलेक्ट्रॉन, ई का वैल्यू हमारे पास में कितना गिवन है, एलिमेंट्री चार्ज दैट इज 1.6 × 10^-19 कूलम। तो टोटल चार्ज क्यू कितना बनने वाला हमारे यहाँ से 1.6 × 10^-8 कूलम, 10^-9 कूलम। इतना हमारा टोटल चार्ज 1 सेकंड में किसी बॉडी पर अक्वायर होने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुल आवेश 1 कूलम को ग्रहण करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। मीन्स अगर हम बात करते हैं 1.6 × 10^-9 कूलम को कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड, तो 1 कूलम आवेश को अक्वायर करने में कितना समय लगेगा, 1 कूलम आवेश को अक्वायर करने में लगेगा समय 1.6 1/1.6 × 10^-9
माइनस नाइन इंटू वन, दैट इज 0.625 इंटू 10 to the power माइनस नाइन सेकेंड। अगर हम ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं, ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ओवर डेज और ईयर्स, और ईयर्स में गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड को। तो कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकेंड, 60 मिनट, 24 आवर्स, अभी ये डे में कन्वर्ट हुआ है, अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 365, दैट इज ऑप्शंस को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आएगा 19.81, दैट इज अप्रोक्स 20 ईयर्स के आसपास ये बनने वाला है। तो हमारा फाइनल ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 ईयर्स। इतना हमें टाइम पीरियड उसको, एक गुलाम आवेश को एक्वायर्ड करने में टाइम पीरियड लगने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए स्फीयर इज रोलिंग देन द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गति करते हुए गोले की घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रोलिंग स्फीयर, स्फीयर हमें गिवन है। अगर हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में तो जो स्फीयर का इनर्शिया होता है वो किस प्रकार से गिवन रहता है, 2/5 mr². अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू कितना रहता है हमारा, v/r। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी रहती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये किस तरीके से गिवन रहती है, 1/2 i ओमेगा² इस तरीके से गिवन रहती है। अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं 2/5 mr² और vr² को, तो यहां से हम फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास में, 2/5 mr² ओमेगा², दैट इज v² / r². सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ रहा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, r से r कैंसिल आउट होता है, तो 1/5 mr², ये हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसमें आता है। अगर हम टोटल का, अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमारी किस प्रकार से गिवन रहेगी, 1/2 mv² इस तरीके से। अगर हम दोनों एनर्जी को हम ऐड करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना बना रहा है, 1/5 mr² + 1/2 mr², दैट इज अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 10 2 mr² + 5 mr² फाइनली 7 mr² / 10 इस तरीके से हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात, मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का में रेशियो पूछा गया है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों कितना बनाएगा हमारा, 1/5 mr² अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 7/10 mr². सॉल्व करते हैं यहां से, सॉल्व करने के बाद भी हमें 5 से 2 times, दैट इज 2/2/7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो विद इन इसको 20 सेकेंड में, या फिर 40 सेकेंड का एक क्वेश्चन हमारा आसानी से बन सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बैटरी ऑफ EMF ऑफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम तथा विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट वाली बैटरी को एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है,
यदि बंद परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। मीन्स कहने का मतलब यह है, हमारे पास में एक ये बैटरी है। इस तरीके से बैटरी में हमेशा दो टाइप के टर्मिनल रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर हम अटैच करते हैं और इसको जोड़ के एक क्लोज सर्किट में एक अनदर रेजिस्टेंस है उसके साथ में हमने इसको अटैच किया हुआ है। जब भी हम बात करते हैं करंट फ्लो की, तो करंट हमेशा हायर पोलरिटी से लोअर पोलरिटी की तरफ मूव करती है। तो मीन्स बैटरी की हायर पोलरिटी से हमारी करंट पास होना स्टार्ट करेगी हाई एम्पियर की, जो कि मूव करती हुई यहां से मूव करेगी और वापस इस एंड पर मूव करेगी। हमें पता है कि जब भी हमारी करंट मूव करती है तो जहां से इंसर्ट करती है वहां पर पॉजिटिव पोलरिटी बनती है और अनदर साइड पर हमारा नेगेटिव पोलरिटी बनती है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 3 ओम। और बैटरी का ईएमएफ कितना गिवन है, ई बराबर 10 वोल्ट। पूछा क्या है हमें, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो ये जो टोटल वोल्टेज रहेगा इन दोनों के बीच में जो हमारा टोटल वोल्टेज रहने वाला है इसको बोलते हैं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता यहां से क्या बनेगी, वी बराबर ई। यहां पर कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और यहां पर कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दोनों का एडिशन। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं तो माइनस माइनस दोनों साइन हमारे सेम है। जब भी सेम साइन रहता है तो हमारे यहां पर माइनस को रिप्रेजेंट करता है। और ओम्स लॉ से अगर यहां पर आई एम्पियर की अगर करंट फ्लो होती है, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो ओम्स लॉ से यहां से कितना बनाएगा, 3 × 0.5 पोटेंशियल यहां पर डेवलप होने वाला है। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, ई का वैल्यू विद्युत वाहक बल का मान कितना गिवन है, 10 माइनस यहां से ये 1.5, दैट इज 8.5 वोल्ट। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता है वो कितना बताएगा हमें, 8.5 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके जुम्बल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा अब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द कपल एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड पोल स्ट्रेंथ 15 एम्पियर मीटर कीप इन फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, 2 × 10⁻¹⁵ टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज। यदि एक छड़ चुंबक को 2 × 10⁵ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण के साथ में रखा जाता है जिसकी ध्रुव तीव्रता 15 एम्पियर मीटर है, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय आघूर्ण बल का मान ज्ञात कीजिए। हमें जैसे कि हमारा टॉर्क होता है, इसमें हमारा मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा टॉर्क रहेगा, मैग्नेटिक टॉर्क रहने वाला है, मैग्नेटिक टॉर्क वो हमारा किस टाइप से गिवन रहेगा, एम बी साइन थीटा, जहां पर एम क्या हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारा किस टाइप से गिवन रहेगा, पोलर स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी पोल, यहां पर m का वैल्यू पोलर स्ट्रेंथ का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 15 एम्पियर मीटर। तो मैं पुट करता हूं 15, 2l, 2l क्या होता है हमारा दोनों पोलर के बीच की डिस्टेंस। तो जो हमारा पोलर के बीच की डिस्टेंस है, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। मींस 2l का वैल्यू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। पूरा का पूरा सिस्टम हमें ऐसे ही सिस्टम में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे सिस्टम में, दैट इज 10⁻²⁰ मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला साइन थीटा, दैट इज साइन 30 कॉस थीटा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 1/2। तो मैं यहां पर अगर इसको प्लेस करवा के 1/2 प्लेस करवाता हूं, तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, सॉल्व करते हैं, 10 से हमारा 1 टाइम यहाँ से कैंसिल होता है, 1.5 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क का वैल्यू हमारा कितना बनने वाला है,
1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्या बोला गया है, टोरॉइड इज, टोरॉइड से क्या तात्पर्य है, ए रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनॉइड, रेक्टेंगुलर शेप्ड सोलेनॉइड, रिंग शेप्ड ओपन सोलेनॉइड, स्क्वायर शेप्ड सोलेनॉइड। बंद वृत्तीय परिनालिका, आयताकार परिनालिका, खुली वृत्तीय परिनालिका और वर्गाकार परिनालिका। जब भी हम सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं, परिनालिका के बारे में बात करते हैं, तो परिनालिका क्या होती है, हमारी हेलिकल शेप्ड आपकी एक कॉयल रहती है। हेलिकल शेप किस टाइप से रहती है, इस टाइप से, ये हमारी परिनालिका को रिप्रेजेंट करती है इस तरीके से। अगर हम टोरॉइड के बारे में बात करते हैं तो टोरॉइड क्या रहता है, अगर इसी हेलिकल शेप जो आपका लीनियर हेलिकल शेप जो आपका कुंडली रहती है, इसको हम अगर एक रिंग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं इस टाइप से, अगर इसको मैं एक रिंग शेप में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर इसको हम इस तरीके से एक रिंग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगी, हमारी टॉरॉइड। ये हो जाता है हमारा टॉरॉइड, को ये रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा सा आपका ये स्लो मोशन में आ चुका है, लेकिन अगर इसको अगर हम इस तरीके से एक बनाते हैं तो रिंग शेप में जो भी बनेगा ये क्या कहलाएगा, हमारा टॉरॉइड कहलाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट। देखिए, ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज, अति चालक पदार्थ होते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरी इलेक्ट्रिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। जब भी हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस हमारा क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है या फिर जीरो रहता है, इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। जब भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं अगर, तो इसमें क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से रिपेल होना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक। तो मींस जब भी हम एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल हो जाती है। और इस टाइप की प्रॉपर्टी किस टाइप के मटेरियल की होती है, प्रतिचुंबकीय या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस का सीरीज कंप्लीट किया है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इनसे रिलेवेंट थ्योरी हमने कवर की है। नेक्स्ट सेशन में हम वापस 25 क्वेश्चंस का सैंपल पेपर सोल्व करते हैं और एक्सपेक्टेड लेवल के या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।